बरेली के विकासखंड कियारा में स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, जहां चार दीवारों में ठेकेदार द्वारा पीला ईंट का उपयोग किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार व साथियों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि स्टेडियम में पीला ईंट व मानक के अनुसार सामग्री नहीं लगाई जा रही है, जो कि हानिकारक हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार कौन है उसका भी पता नहीं चला है, मजदूरों से भी कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। सुरेश कुमार, आप क्षेत्र क्यों पंचायत पर आए सिटी मजिस्ट्रेट? क्या मतलब क्या नहीं, नहीं, हम डीएम के हैं। डीएम साहब को अवगत कराने आए थे कि इसमें जो हमारे क्यारा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत निधि से ग्राम क्यारा में जो स्टेडियम की चार दीवारी हो रही है, उसमें पीला ईंट और घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, और वो इतनी घटिया है कि उसकी लाइफ 2 साल से ज़्यादा नहीं है, उससे कोई हादसा भी हो सकता है, दीवार भी कभी गिर सकती है। इसलिए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने वहाँ सूचना मिलकर, जब सूचना मिली तो सब लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने वो सामग्री देख के उसका विरोध किया। आज डीएम साहब को इसकी जानकारी भी दी है, लिखित में एक एप्लीकेशन भी दी है, शिकायत पत्र। और ये पहले भी जो एक बार जो एक भाग में जो हुआ है, उसमें भी इसी तरह की घटिया सामग्री लगाई गई थी, पीला ईंट लगाई गई थी, उस पर शिकायत की गई थी BDO साहब से। BDO साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया है इसमें। अच्छा, तो कोई इसमें कोई घोटाला उटाला सामने आ सकता है क्या, अगर इस पर जाँच होती है? इसमें अगर ठेकेदारों की अगर जांच कराई जाए तो उसमें आएगा, बड़ा घोटाला आएगा। ये इन्हें तो वहाँ से जो ईंट लेते हैं, नंबर एक की ईंट लेते हैं, और जहाँ की जब ये इसमें लगा रहे हैं, बहुत घटिया तरह की ईंट लगा रहे हैं। तो कागजों में भी इन लोगों ने हेरफेर करा हो कुछ ना कुछ? हाँ, कुछ ना तो इसमें कोई टेंडर की जानकारी दी है, ना टेंडर इसमें कोई उजागर किया है किसी प्रकार का, और कौन ठेकेदार है ये भी नहीं पता लगता है। वहाँ पे जाएं तो लेबर से बात करें। आशा संगीनी का बकाया भुगतान को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर सभी आशाओं ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें आशाओं की मांग है कि उनका 750 वाला भुगतान, जो कि राजेंद्र बाबू के द्वारा किया जाता है, जो कि इतिहास 21 माह से नहीं हुआ, 1500 वाला भुगतान 10 माह से नहीं हुआ। आशाओं का कहना है कि 2021-2022 में जितने भी प्रोग्राम हुए, किसी भी प्रोग्राम का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। 2021-22 का 1250 वाला रिचार्ज का भुगतान नहीं हुआ, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट आशाएं परेशान होकर डीएम से मिलने, उन्हें ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पर पहुंच गईं। लेकिन डीएम साहब से मुलाकात ना होने पर आशाएं काफ़ी आक्रोशित हो गईं। काफ़ी देर वार्तालाप चलती रही, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद आशाओं को समझाया गया। एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद आशाओं का कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर भुगतान नहीं आया तो वह आंदोलन करेंगे। कई दफ़ा उन्हें समझाकर वापस किया गया है। आशाओं का कहना है कि वह भी घर परिवार वाली हैं, उनको वेतन ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।